ये वो सेक्शन है जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था और खास इसी के लिए मैंने इस कोयना एक्सप्रेस को चुना जिनकी मैं दिन में कवर कर सकूँ आप लोग के लिए। तो ज़रूर इसे एंजॉय कीजिएगा आप। तो वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीएम जौनपुर रेल फैन। तो फिलहाल अभी हम मौजूद हैं कराड़ रेलवे स्टेशन और आज की जो हमारी यात्रा होगी वो होगी कोयना एक्सप्रेस में। कोयना एक्सप्रेस की बात करूं तो ये कोल्हापुर से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज जाती है दादर होते हुए और आज की जो यात्रा हमारी होगी इसका ट्रेन नंबर है 1130 और ये ट्रेन डेली जाती है यहाँ से। और कराड़ रेलवे स्टेशन पर इसके आने का समय है 10:50 और फिलहाल अभी 2-4 मिनट लेट हो जाती है, वैसे करीबन 10 मिनट के आसपास लेट है हमारी ट्रेन। और आज इस सेक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। दिन में जर्नी कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने महालक्ष्मी एक्सप्रेस में जर्नी की थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली थी क्योंकि नाइट का टाइम था और कुछ देखने को नहीं मिला। बट दिन की यात्रा में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि खंडाला, लोनावला घाटी और बहुत सारी चीज़ें हैं पुणे और उसके बाद जो कर्विंग है वहाँ पर आप देखने को मिलेगा। कराड़ रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो यार मैं यहाँ पर बहुत टाइम से आता जाता रहता हूँ, आना जाना यहाँ का लगा रहता है। और यहाँ पे जब मैं 2 साल पहले आया था लास्ट टाइम कोरोना की वजह से बीच में आ नहीं पाया, यहाँ पे वायरिंग हो चली है यार। उस टाइम वायरिंग नहीं थी तो बढ़िया लगता था पर अब वायरिंग हो गई है थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बट जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो डीजल लोकोमोटिव के साथ आएगी। कोल्हापुर और मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं जो कि डेली रन करती हैं। एक है कोयना एक्सप्रेस, एक है महालक्ष्मी एक्सप्रेस और एक है सह्याद्री एक्सप्रेस। फिलहाल में COVID-19 के चलते अभी सिर्फ 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक कोयना और एक महालक्ष्मी। सह्याद्री फिलहाल में बंद है किसी कारण से, अभी तक कोई स्टार्ट नहीं हुई है। और महालक्ष्मी में मैंने जर्नी कर ली है, नाइट जर्नी थी, बहुत ही खूबसूरत यात्रा थी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और फिलहाल अभी हम करेंगे कोयना एक्सप्रेस में। और कोयना की बात करूँ तो कोयना यहाँ पर एक नदी है जिसे माना जाता है और यहाँ पर कोयना नदी है और उसी के नाम पर इस ट्रेन का नाम रखा गया कोयना एक्सप्रेस। महालक्ष्मी का नाम इसलिए है क्योंकि महालक्ष्मी मंदिर है कोल्हापुर में, तो इसलिए उस ट्रेन का नाम महालक्ष्मी एक्सप्रेस रखा गया है। तो ये रही हमारी ट्रेन की लिस्ट और ये हमारी ट्रेन का नंबर और जो मेरा नाम है वो यहाँ पे एकदम टॉप पे दे रखा है, उत्तम पांडे, ठीक है, कराड़ से दादर S1 39 सीट। तो भाई बिल्कुल टॉप पे है अपन और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिस्ट लगाई जाती है जिससे कि जिनकी वेटिंग या RAC होता है और जो कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पे ऐसे लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। फिलहाल अपने साइड UP में तो ऐसा अभी कुछ चालू नहीं है बट अभी कराड़ में ऐसा देखने को मिला। तो हमारे द्वारा जो हम यात्री लोग कचड़े फेंकते हैं उन्हें उठाने का काम कोई और करता है, तो यार पढ़े लिखे आदमी इस कचड़े का इस्तेमाल करो, इस कचड़े का इस्तेमाल करो, इस डब्बे का इस्तेमाल करो और ऐसे फेंकोगे तो इस तरह से कोई और उठाएगा आपके कचड़े को तो वो अच्छा नहीं है। आप अपने चीज़ों को खुद ख्याल रखो और साफ़ सफाई बनाए रखो। और स्टेशन यार काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी साफ़ सफाई है स्टेशन पे और बहुत ही ज़्यादा शानदार रेलवे स्टेशन है। साउथ में जितना भी आप साउथ में जाओगे वहाँ पे ऐसे ही आपको अलग लेवल के स्टेशन देखने को मिलेंगे, एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें अपने UP में थोड़ा सा कुछ स्टेशनों पर नहीं है और हमारी गलतियों से नहीं है कि हम जैसे लोग ही गंदा करते हैं, हम जैसे लोग ही साफ़ सफाई करते हैं, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बीमारी जिस तरह से फैल रही है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, अपने प्रोटेक्शन खुद करना चाहिए, मास्क, सैनिटाइज़र, साफ़ सफाई, ये चीज़ें बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं। तो इसका ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और इन्जॉय करें और हमारे जर्नी को ज़रूर इन्जॉय करें। कल कराड़ मेरा जो आना जाना इसलिए लगा रहता है क्योंकि मेरी सिस्टर का यहाँ पे घर है ना, ये मेरी सिस्टर है और ये यहीं पे रहती है तो मेरा आना जाना लगा रहता है, मज़ा भी आता है। पास में गोवा है, हम गोवा नहीं जा पाए पर नेक्स्ट टाइम प्लान है कि गोवा आएंगे इधर तो गोवा जरूर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना भाई, सिस्टर बोल दी आप तो कर देना यार।
सो फाइनली ये रहा हमारा बोर्ड कोल्हापुर मुंबई S1। तो चलो अंदर दिखाता हूँ एक बार कोच, कराड रेलवे स्टेशन। यात्रा जो होगी कराड से थाने तक, हॉन्किंग हो चली है और सीट दिखा के डिपार्चर दिखाता हूँ फिर। तेरी सीट साइड लोअर 39 नंबर। ट्रेन मिल गई है, डिपार्चर भी हो चला है, डिपार्चर देख लो और मिलते हैं फिर आगे, बहुत सारी चीज़ें दिखानी है अभी। तो फिलहाल डिपार्चर कराड रेलवे स्टेशन से, फिर मिलेंगे किसी अगली यात्रा में कराड से। इनसाइड व्यू देख लो यार, अपने यूपी के जो LHV कोचेस होते हैं ना, और अपने साइड के जितने भी LHV कोचेस हैं, भले ही वो हाईटेक के हों, पर ICF की बात करूँ तो साउथ में ICF और अभी जिसमें मैं ऑन बोर्ड हूँ कोयना एक्सप्रेस में, भाई साफ़ सफाई तो अल्ट्रा लेवल है यार। मतलब मेंटेन बिल्कुल रहता है, कुछ सब कुछ अच्छा रहता है, स्मेल्स वगैरह नहीं आती जैसे कि नॉर्मल ICF कोचेस में आती हैं अपने साइड में। खास बात बताऊं, जब भी ना साइड लोअर चुनता हूं ना, तो इसलिए चुनता हूं कि चार्जिंग पॉइंट मिल जाए, और यहां पे दो दो मिल गया है, इससे ज़्यादा अल्ट्रा लेवल और क्या चाहिए। चाय नाश्ता भी मिल रहा है भाई ट्रेन में। तो कराड से निकलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है मसूर रेलवे स्टेशन। तो कुछ इस प्रकार से है मसूर रेलवे स्टेशन। बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं करूंगा और सिर्फ मेन चीज़ें दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करने को तो हैं बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आपको कैप्चर करके दिखाता रहूँगा। फाइनली अभी हम आ चुके हैं सतारा रेलवे स्टेशन, और ये भी एक मुख्य रेलवे स्टेशन है इस रूट पे। और ये छोटी सी कर्विंग बहुत अच्छी लग रही है यार, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे। आपको ये कर्विंग कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करना, या आपको ये छोटी सी कर्विंग कैसी लगी इस प्लेटफॉर्म पे जो कर्व लिया है इस गाड़ी में कोयना एक्सप्रेस। तो फिलहाल सतारा रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है सतारा रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है जो कि रेलवे स्टेशन के रूप में बनाई जाएगी। और कुछ ऐसा नज़ारा है इन झाड़ियों के बीच, पहाड़ों के बीच में सतारा रेलवे स्टेशन। फाइनली डिपार्चर कर सतारा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है।
पास बोले और गेट पे आने का एक ही कारण है कि आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कर्विंग दिखाने वाला है और बहुत ही शानदार कर्विंग दिखने वाली है जो इस रूट पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये कर्विंग के बाद लोनार्ड के पहले ये कर्विंग पड़ती है और उसके बाद कर्विंग आती है सीधा खंडाला और लोनावला में, वो चीज़ आप ज़रूर देखना। चलो फिर इसे इंजॉय करो। जाने वाले हैं हम और स्टेशन को हम एक स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और सामने मुझे देख रहे हो उस तरफ से हम घूमते हुए जाने वाले हैं।
सो फाइनली हम आ चुके हैं लोनार जंक्शन। और लोनार जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल कर दौंद की तरफ जाने वाली है, और कुछ दूर तक यहाँ पे लाइन वैसे बिछी हुई है, बट यहाँ से कनेक्टिविटी हो जाएगी अगर दौंद के लिए तो इस रूट पे और भी ट्रेनें भर सकती हैं आने वाले समय में। तो काम चल रहा है और आने वाले टाइम में उधर भी कनेक्टिविटी दौंद से हो जाएगी, तो जो ट्रेनें पुणे होके आती हैं घूम के आना पड़ता है उन्हें, तो वो चीज़ें शायद फिर डायरेक्ट लोनार्ड आ जाएंगी और लोनार्ड से सतारा कराड़ होते हुए निकल जाएंगी। तो बस ऐसा दिखता है लोनार्ड रेलवे स्टेशन, और एक पुराने ढांचे की तरह इसे बनाया गया है क्योंकि काफ़ी सालों पुराना ये सेक्शन है। और जंक्शन क्यों कहते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ से एक नई लाइन निकल के जाने वाली है दौंद की तरफ, और अभी फ़िलहाल में एक छोटी सी लाइन निकली हुई है जो कि कुछ ही दूर तक कनेक्टिविटी है, पर दौंद से कनेक्ट होने के बाद आने वाले समय में और भी ट्रेनें बढ़ जाएंगी इस रूट पर। तो लोनार्ड रेलवे स्टेशन से डिपार्चर का समय हो गया है, और उस तरफ एक खाली रेक खड़ा हुआ है LHB के साथ। तो लोनार्ड रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार है, और दौंद से कनेक्टिविटी हो जाने के से ना आने वाले समय में वाराणसी से कोल्हापुर के लिए भी सारी ट्रेन मिल सकती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ें जल्दी हो जाए और वाराणसी से भी हमें ट्रेन मिल जाए कोल्हापुर के लिए, जहाँ हम माँ लक्ष्मी जी का दर्शन अच्छे से कर सकें और यहाँ के लोग महादेव का दर्शन अच्छे से कर सकें। तो फिलहाल डिपार्चर देखिए आप इसका, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे सीधा पुणे में। पुणे के आगे हम कवर करने वाले हैं लोनावला खंडाला, तो वो चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं आगे वाले इस रूट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये CR का पूरा रेक खड़ा हुआ है। तो ये है बोर्ड, स्टेशन बोर्ड लोनार्ड का। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे पुणे में। तो जी इस यात्रा के दौरान अभी हम खाने वाले हैं वड़ा पाव। तो यार आप अगर महाराष्ट्र आते हो और मुंबई आते हो या फिर महाराष्ट्र के किसी भी जगह जाते हो तो ये चीज़ें आपको कंपलसरी है मिलना, और इसे खाए बिना महाराष्ट्र का स्वाद नहीं आता। तो चलिए खाते हैं वड़ा पाव को और मज़े करते हैं इस मिर्ची के साथ। यार वड़ा पाव खा रहे हैं, टेस्टी है और मिर्ची तीखी भी है। मैं ये ना इसलिए पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि वड़ा पाव किस किस को पसंद है। यार जिसे पसंद है कमेंट ज़रूर करना, कभी मौका मिला तो तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगा भाई, जिसे ये पसंद है। इलेक्शन स्पेशल जा रही है जो कि पुणे से चलकर हमारी मडगांव जा रही है, गोवा की तरफ जा रही है, पुणे से चलकर गोवा की तरफ जा रही है इलेक्शन स्पेशल।
सो फाइनली हम आ चुके हैं पुणे रेलवे स्टेशन और बगल में खड़ी है सोलापुर पुणे। तो कुछ ऐसा है पुणे रेलवे स्टेशन और सामने ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये बन रहा है पुणे का मेट्रो रेलवे स्टेशन। तो कुछ अभी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पुणे रेलवे स्टेशन पे और ये है पुणे। वैसे स्टेशन पे पुणे रेलवे स्टेशन पे हमारी कोयना एक्सप्रेस से बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग डिवोट किए हैं और ये रही हमारी कोयना कोल्हापुर मुंबई और बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे डिवोट कर रही है इस ट्रेन को और बची हुई पब्लिक आगे की तरफ अपनी यात्रा करेगी। रिसेंट में जिस मैंने महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो मैंने जर्नी की थी और पुणे आया था तो मैंने चाय ली थी और तारीफ़ की थी यार कि चाय बहुत अच्छी है। आज फिर से पुणे में चाय पी रहा हूँ, लाजवाब है, चाय एक नंबर। तो फाइनली हम आ चुके थे पुणे रेलवे स्टेशन और यहाँ से डिपार्चर का समय हो चला है और प्लेटफॉर्म की तरफ कुछ लोग खड़े इसलिए उधर से नहीं कैप्चर कर रहा हूँ। बाकी आगे आपको लोनावाला खंडाला तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आने वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करने बिना को मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आगे। फाइनली हम आ चुके हैं लोनावला रेलवे स्टेशन और ये है लोनावला। फाइनली डिपार्चर हो चली है लोनावला रेलवे स्टेशन से और अगला स्टेशन आने वाला है खंडाला और खंडाला के बाद शुरू होगा वो अद्भुत दृश्य और बहुत सारे घाटी आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयार रहिए गाइस आगे आप एंजॉय के लिए। पहाड़ियों का मजा अब शुरू होगा और इस रूट का मजा अब शुरू होगा, जो रियल मजा है वो अब शुरू होगा। तो चलिए एंजॉय कीजिएगा आप इस वीडियो को। तो वेलकम टू लोनावला एंड खंडाला। ऑसम यार, ऑसम। मुंबई पुणे हाईवे, ये है हमारी कोयना एक्सप्रेस जो इन पहाड़ों को चीरते हुए निकल रही है, खंडाला की इन घाटियों को चीरते हुए हम निकल रहे हैं। मेरे सामने आप ओवर ब्रिज देख रहे हो ना, वो पुल। मैं इस रोड से कई बार ट्रेवल कर चुका हूँ बाय रोड, मैंने इस रोड पे भी ट्रेवल किया है। एक अलग लेवल की फीलिंग आती है बाय रोड, अगर आप जर्नी करो तो अलग लेवल की है और ब्रिज से जर्नी करो तो थोड़ा वर्चुअल हमारी इस जर्नी में आप मजा ले ही रहे हो। बट कभी टाइम मिले तो दोनों में सफर करना, दोनों का
अलग अलग हो जाए, यही खास बात है पिंडाना में। और ये हाईवे इस चीज़ का मैं सुबह से वेट कर रहा था, जब से मैंने जर्नी की स्टार्ट की थी अपनी इस ट्रेन से, कोयना एक्सप्रेस से, जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं इस खतरनाक व्यू का इस वेट कर रहा था कि कब आएगा। तो फाइनली वो मंजर आ चला है, आप भी इंजॉय करने वाले हो हमारी इस जर्नी में। आप सबसे एक और निवेदन कर रहा हूँ, ये जर्नी अच्छी लगी, ये व्यू अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दें हमारे, कि आने वाली और भी जर्नी जिससे आप एंजॉय करें। और एक बात और, इस जर्नी के बाद बैक टू बैक करीबन 4-5 जर्नियाँ और बाकी हैं, तो वो जर्नी आपसे मिस ना हो तो उसको भी आप देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कैसा लगा ये व्यू, वीडियो कैसी लगी और ये व्यू कैसा लगा खंडाला का, कमेंट ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ये वो सेक्शन है जिसका मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था और खास इसी के लिए मैंने इस कोयना एक्सप्रेस को चुना, जबकि मैं दिन में कवर कर सकूँ आप लोग के लिए, तो ज़रूर इसे इंजॉय कीजिएगा। तो ये जो लोकोमोटिव आप देख रहे हो, ये लोकोमोटिव बैंकर लोकोमोटिव के टाइप यूज आते हैं। अगर कोई ट्रेन उधर से आती है तो उनको चढ़ाने के लिए पीछे से बैंकर चाहिए होता है, तो इसकी वजह से वो यूज आते हैं यहाँ पे। और लुक एट दिस यार, क्या ही मजा है भाई, क्या अलग लेवल, कतई जहर भाई, कतई जहर। महालक्ष्मी एक्सप्रेस में मैंने जर्नी किया, नाइट का टाइम था, नाइट की हमारी जर्नी थी, तो उसमें ये सब चीज़ें कवर हो पाई ना, मैं दिखा पाया। दिन में जर्नी करने का एक यही रीज़न था, और इस ट्रेन में जर्नी करने का यही रीज़न था कि आप ये चीज़ें दिखा सकते हो, जो बहुत ही बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं। छोटा सा स्टेशन है यहाँ, सो इस रूट का जो असली मजा है ना वो मानसून में है भाई। कभी भी आना मानसून में आना और इस रूट को पूरी तरह से एंजॉय करना, स्लीपर में जर्नी करना, जनरल में जर्नी करना। Thank you.
सो फाइनली हम आ चुके हैं कल्याण रेलवे स्टेशन और यहाँ से एक अगला स्टॉप होने वाला है थाने और हमारी जो यात्रा समाप्त होगी वो थाने रेलवे स्टेशन पर होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिना मत जाइएगा। तो ये है कल्याण।